गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपका दोस्त कुमावत लेके आया हूँ एक नया व्लॉग। सो आज 9 तारीख है और मेरा पाव इतना दर्द नहीं कर रहा है अभी, मगर फिर भी ठीक है, अभी थोड़ा दर्द कम है। आज मेरे को ड्रेसिंग करने बुलाया था। ये पट्टी खोल के फिर से दूसरा पट्टी बिठाएंगे। और बाहर संजय झाड़ू वाड़ू मार रहा है, ये आया इधर, अभी ये भी जा रहा है अपना दूध का धंधा देखने। और हम यहाँ पे बैठे पाव लेके, बस और कुछ हो रहा नहीं है। साफ सफाई भी हो चुकी है और दुकान पे आते सुबह सुबह तो भाई पूजा भी करना पड़ता है। पूजा भी किया, बट पूजा मैंने एक टाइम पे किया हूँ, क्योंकि एक मतलब कैसा है ना कि अभी ये पाव में ऐसा ब्लड फ्लो हो रहा है, बट सबसे ज्यादा ब्लड मतलब नीचे जाता है ना, तो इसके लिए मैंने पाव ऐसा रखा और ऐसे ही मतलब ऐसा पकड़ के रखा था खड़ा होके, और मैंने पूजा वूजा कर दिया, क्योंकि वहाँ पर जैसे ब्लड जाता है तो बहुत दर्द कर रहा था, इसके लिए पाव ऊपर ही रखने बोला डॉक्टर ने। अभी मैं कितने बार पाव बोल गया है। एक्चुअली मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ बट एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ। 11th 12th भी मैंने साइंस किया था तो मेरे को समझ रहा है। कोई नहीं, अभी दर्द तो बहुत कर रहा है, मतलब पाव सीधा रखा हूँ तो अभी दर्द नहीं कर रहा, मतलब ज्यादा दर्द नहीं कर रहा, बस ऐसा ऐसा मूंगी ऐसा काटती ना वैसा लग रहा है। अब यार कल के दिन हो गया, अभी आज मेरे को ड्रेसिंग कराने का है। आज बुलाया भी था उसने ड्रेसिंग कराने के लिए, तो मैं अभी मैसेज करता हूँ डॉक्टर कितने बजे आओ ड्रेसिंग करने, मैसेज करता हूँ वरना वो बताइए कितना बजे जाना है, तो अपन ड्रेसिंग भी करा लेंगे। और ब्लड बहुत निकल गया मेरा, मतलब अभी देख यहाँ पर, मतलब यहाँ पे ब्लड पूरा आगे तक आ गया, ये साइड में भी देखो यहाँ तक ब्लड आ गया, और पाँव के नीचे तो पूरा ही है, पूरा ब्लड से है ना। यहाँ पर मेरा अपलोड भी हो चुका है, चेक भी हो गया, सब हो गया। यहाँ पर नेक्स्ट, और यहाँ पर पब्लिक आवाज़ करो थोड़ी। प्रोसेसिंग HD, अब प्रोसेसिंग अप टू HD, 46 मिनट लेफ्ट, वो तो हो जाएगा पब्लिक। ये वीडियो हो गई अपनी पब्लिश। अभी टाइम हो रहा है 12:30, अभी पनीर भाई को पूछता हूँ लेके जाएंगे कि नहीं मुझे डॉक्टर के पास। पनीर भाई चल रहा है क्या अभी ये खेर के पास? क्यों? हाँ, ये पट्टी चेंज कराने का है। अभी तो कल ही तो बांधा है, कल किधर परसों बांधा है, उसने मंडे को बोला, अभी मैं फोन किया तो बोली 2 बजे के पहले पहले आ जाओ। आ रहे हो कि नहीं? गाली मत दो, वीडियो चालू है, मैं ऐसा बैठा हूँ क्या? वीडियो यार अभी आपको मालूम नहीं पड़ेगा, बाद में 2-3 साल बाद मालूम पड़ेगा। मेरी ड्रेसिंग भी हो चुकी है भाई, जो जब चेंज किया ना पट्टी, जब वो निकाला है ना पूरा आधा घंटा, मतलब मेरा इतना दिमाग खराब हुआ ना, मतलब बेहोश, क्या बताओ। आगे बाद में जाके बात करता हूँ, इधर बात नहीं कर सकता जाता। डॉक्टर से वहाँ से रिक्शा पकड़ा, रिक्शा को बोला डायरेक्ट इधर ले, रिक्शा वाला इधर लिया, मैं उतर के आ गया यहाँ पर। बहन को बोला यहाँ पे खाना लेके आ जा, तो यहाँ पे खाना वाना खा के दवाई खा के अभी बैठा हूँ, बस आराम कर रहा हूँ, अभी एडिट करने का सोच रहा हूँ। जब वो डॉक्टर ने पट्टी खोला ना, माय गॉड, मेरा मतलब पूरा जान निकल गया उसमें, मतलब पहले कैसे उसने ऑपरेशन किया, तभी तो वो पाँव सुन करके गया ना, तभी तो पता नहीं चला काटा वाटा सब, मगर इतना बड़ा खड्डा किया उसने, इतना बड़ा मेरे को तो पता ही नहीं चला। तो अभी मैंने आज जैसे पट्टी खोला है ना उसने, माय गॉड, क्या पेन हुआ मैंने ना, मतलब वो साफ कर रही है और मैंने पप्पा को कॉल लगा दिया है, भाई को कॉल लगा दिया, अरे मेरे को पेन नहीं हो रहा। बाद में इधर पनीर भाई बैठते ना जो छोड़ के गए थे, उनको कॉल किया, बोला आ जाओ तुम इधर, मेरे को तो फुल पेन रिलीफ नहीं हो रहा, उनका हाथ पकड़ के ऐसा बैठा हूँ, क्योंकि बहन को बुला नहीं सकता, बहन देख नहीं पाती थी वो, तो इसके लिए मैंने उसको बुलाया ही नहीं। तो इतना मतलब मेरे पास फ़ोटो भी है उसका, बट अब फ़ोटो डाल नहीं सकता क्योंकि वो थोड़ा समझ रहे हो ना, इतना पेन हुआ ना। बाद में थोड़ा उसमें पट्टी वट्टी बांधने के बाद थोड़ा मेरा रिलैक्स हुआ, वो बोलती आपको इंजेक्शन दे देती, क्योंकि काँप रहा था मैं बहुत, मतलब ऐसा लग रहा था मेरी जान निकलने ही वाली है पूरी अंदर से, तो बट जो भी हुआ बाद में थोड़ा रिलैक्स हुआ, बोला हाँ ठीक है, आलिस वेल बोला मन में, बोला चल ठीक है। माई गॉड, मतलब मैंने उसको बोला भाई डॉक्टर अभी इतना पेन होता था तो वो ये भी सुन करके कर लेते आप साफ, बोलते नहीं ऐसा कुछ नहीं, अभी थर्ड टाइम जो ड्रेसिंग होगी उसमें आपको इतना दर्द नहीं होएगा, आई होप इतना दर्द ना हो, ड्रेसिंग मतलब 2 दिन बाद ही है और मेरा 12 तारीख को शूट है, कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे को। मिस्टर DR को तो मैंने बोल दिया कि भाई, मैंने उसको फ़ोटो भी भेजा, भाई देख ले कितना खड्डा किया, और मेरे को पेन ज़रूर नहीं, पेन मतलब मेरे को पेन में कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा हूँ,
तो बोलता है ठीक है भाई, मैं बोला कल पक्का बताता हूँ, क्योंकि कल थोड़ा जैसे पेन खत्म होएगा तो अपन 110% श्योर में जाना पड़ेगा, मेरे को लग रहा मैं जाऊँगा, क्योंकि अभी कुछ रकम भरा नहीं है अभी तक, और बट काम भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, मगर डॉक्टर ने कहा है कि इसको एक हफ्ता तो लगेगा अंदर से रकम भरने के लिए पूरा। अभी टाइम हो रहा है 8 और बंद कर रहे हैं दुकान। ये मेरे को रोज रात को घर पे छोड़ता है। अभी हम लोग जा रहे हैं स्टिक लेने, क्योंकि मेरे को चलने नहीं हो रहा है। बराबर है कहीं है? चल इससे मेरे को सपोर्ट मिल जाएगा चलने के लिए। चलो चलो चलो, ये स्टैंड ले लिया हूँ मैं 600 रुपये में, क्या मालूम अभी इसको क्या लेना है। ट्राई भी हेलमेट भूल गया। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, कल रात को स्टिक लेने के बाद मैं डायरेक्टली घर पे आके सो गया। तो जस्ट भी उठाया तो उसने सिर्फ पानी पिला के सुला दी, दवाई तो उधर ही पड़ी है, दवाई दी नहीं। तो अभी सुबह के 9 बज रहे, मेरे को शॉप खोलनी थी, बट कैसा है कि वो मेरा भाई था जो रात को लेके जाता है मेरे को, उसको बोला तो बोलता है 9:30 बजे मैं आता हूँ। तो बोला 9:30 बजे तो दुकान कौन खोलेगा। मेरी बहन को बोला चाबी लेके जा, चाबी दे दे उसको जाके वर्कर को, वो तब तक दुकान खोल के साफ सफाई कर देगा। तब तक मैं यहाँ पर बैठा हूँ, चाय भी हो गया, अभी 10-15 मिनट के बाद दवाई भी लूंगा, दवाई लेने के बाद मेरा भाई आएगा लेने के लिए, उसके साथ बैठ के मैं शॉप पे चले जाऊंगा। और तो कुछ नहीं, मतलब रात भर दर्द नहीं किया, और बाद में सुबह जैसे ही मैंने पाँव नीचे रखा तो ब्लड फ्लो एकदम नीचे गया ना, तो भाई साहब क्या बताऊँ, बहुत गंदा पेन किया था। अभी आपको मैं बता भी नहीं सकता, अभी रोज क्या बताऊँ आपको कितना पेन कर रहा है। अभी ये स्टिक भी लिया हूँ, इसके सहारे मैं चल रहा हूँ, ये स्टिक लिया हूँ इसके सहारे चल रहा हूँ, और ये भी कितना 600 रुपये में लिया था कल, मैंने चलो ले लेते क्योंकि इसके सहारे से थोड़ा चल पा रहा हूँ, नहीं तो बाद में क्या वो एडी पे पूरा जोर एडी पे आता था ना, तो वो नीचे से फटता था वैसा, ऐसा फटता था जिधर से ऑपरेशन किया। इसके लिए मैं बोला ये ले लेता हूँ, इस पर लोड रहेगा तो क्या बाद में उस पर लोड नहीं आएगा, तो उस पर थोड़ा चल चल के मतलब क्या हैबिट हो जाएगी चलने की। ये मेरा बुआ का लड़का जो आ रहा मेरे को शॉप तक छोड़ने के लिए। काले में फोन की तो किकर आवाज कर रहा हूँ, काले फोन की तो किरो झंडे आई रे कल इतना पेन कर रहा था ना, मैं इसको फोन करके बोल दिया अरे बहुत दुख रहा है, जान निकल गया था जान। अभी बज रहे 11 और वहाँ पर पीछे मेरा दुकान का काम हो रहा है, मतलब वहाँ पे पीछे वो संजय मोल्डिंग कर रहा है, इसके लिए आपको आवाज़ नहीं आती होगी। तो कुछ नहीं, अभी एक ऑर्डर आया था मगर मेरे पास मटेरियल ही नहीं है, तो वही मटेरियल लेने के लिए मैं जा रहा था वो सोनापुर, तो मेरा भाई जो आया ना सुबह छोड़ रहा था, तो वो बोल रहा है चलने का कुछ ज़रूरत नहीं है तेरे को, मैं बोला रिक्शे में जा रहा हूँ टेम्पो में आ जाऊँगा, बोलते तो भी नहीं ऐसा, मतलब चलने से थोड़ा वो जख्म जल्दी भरेगा नहीं, तो मैं बोला ठीक है। तो वो जा ही रहा था सोनापुर, तो मैं बोला वो शॉप पे जाके बोल दे ऑर्डर दे दे, बाकी का मैं बात कर लेता हूँ, तो बोलता ठीक है कोई नहीं। तो मैं यहाँ पर ही बैठा हूँ, वो चला गया ऑर्डर देने के लिए, मैंने वो ऑर्डर तो आ जाएगा टेम्पो में, वो टेम्पो वाले को बोलने का सिर्फ उधर जाके छोड़ दे बस बात को। आज मेरा मूड भी थोड़ा सही नहीं है, क्योंकि आपको बताने जाऊँ तो अभी मैं निकला हूँ सोनापुर में, तो भाई साहब बोलता है मेरे को कि फोटो भेज रहा हूँ व्हाट्सएप पे, आधा एक घंटे के ऊपर हो गया वो व्हाट्सएप पे फोटो ही नहीं भेजा, तो मैं बोला कि मैं खुद जाता हूँ और उधर सेलेक्ट करके कटवा देता हूँ फटाफट हो जाएगा, तो क्योंकि मैं नहीं जाऊँगा तब तक वो माल काटेगा नहीं, उसका भी ऑर्डर रहता है, तो समझ में नहीं आ रहा क्या कर रहे हैं। पाँव भी वैसे ही डंडा लेके दर्द तो हो रहा है बहुत, बट काम भी इम्पोर्टेंट है। मेरी स्टिक गिर गई।
बस अभी यहाँ पर बैठा हूँ और अभी जस्ट मैंने संजय को भेजा है माल लेने के लिए, तो वो माल लेके निकल भी गया है बट ट्रैफिक की वजह से वो फंसा हुआ है और कस्टमर बार बार कॉल कर रहा है, बोलते क्या हो गया क्या हो गया, अभी तक आया नहीं माल। मैं बोला अरे आ रहा है, ट्रैफिक में फंसा है। तो बस यही चालू है। कहाँ बोलो, अभी भेन आएगी बस 15-20 मिनट में खाना लेकर, खाना खाऊंगा इधर और खाना लेके चली जाएगी और बाद में इधर ही सो जाऊंगा। एडिट भी करना है बट कैसा, मतलब समझ रहे हो, एडिट करने के लिए थोड़ा दिमाग शांत रहना है। अभी मेरा दिमाग शांत नहीं है क्योंकि सब दिमाग, मतलब पूरा दिमाग फोकस है ना इस पे ही हो रहा है कि जो अंदर से बहुत खींच रहा है ना। आपको भी मैं एक दो ब्लॉग से बोलते रहूंगा बहुत दुख रहा है, बहुत दुख रहा है, बट अभी मैं सिर्फ कैमरे में बोल सकता हूँ और किसको भी नहीं बोल सकता हूँ, ना पापा को बोल सकता हूँ ना मम्मी को, कि ऑपरेशन कराया मैंने खुद से ही कराया, उसने ज़्यादा काट दिया तो अभी इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ कि अभी ठीक होने के लिए बहुत टाइम जाएगा। वो बोलते 2 दिन में चल तो पाएंगे बट अभी मेरे को परसों निकलना है शूट के लिए साइंस सिटी, जो कि मैं वो पहली बार जा रहा हूँ। बाकी सब सिटी में, मतलब बाकी सब सेट पे तो मैं गया हूँ बट साइंस सिटी ये मिस्टर डीआर ने बताया तो मेरे को पता नहीं मतलब कहाँ पे, तो कल्याण हाईवे पर ही है। तो मैं बोला मेरी कार अवेलेबल है, जो एक बंदा आ रहा है अपने साथ, जो बंदा आ रहा है अपने साथ उसको ले लेते हैं अपन साथ में, वो गाड़ी चला लेगा मेरा, अगर नहीं चला पाएगा तो चल ठीक है ओला करके चले जाएंगे, और तो कुछ है नहीं। तो वही अभी बस देख रहे हैं, अभी वो स्टिक लिया हो तो अभी मतलब स्टिक की वजह से ऐसा लग रहा है कि हाँ चल ठीक है कर सकते हैं अपन काम, क्योंकि वो जब स्टिक नहीं था तो सबका सहारा लेना पड़ रहा था। लाइफ में मुझे एक बात तो पता चली है कि मुसीबत के टाइम भाई कोई काम नहीं आता, कोई मतलब कोई भी काम नहीं आता, बस जो अपने रहते वही काम आते। तो इसके लिए अभी मैं छोड़ दिया हूँ, मैं आ चुका हूँ अपने गली में अपनी भाजी लेके, चलने पापी डायरेक्ट ये जमता क्योंकि मैं सो गया था, दवा इतनी पावरफुल थी सो गया मैं।